अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़रीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो बहुत ही डिफरेंट है लेकिन ईजी है उन लोगों के लिए जो लोग चिकन नहीं खाते। हम लोग उनको आज बिल्कुल एक नया फ्लेवर दे रहे हैं जिसकी वजह से वो चिकन खाने पे मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, आज हम आपके साथ चिकन की जो सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो बहुत ही डिफरेंट है लेकिन इजी है और बहुत मज़े की बनती है, हमें बहुत पसंद है और हम लोग इसको बनाते हैं। तो अब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी और जानते हैं कि रेसिपी कौन सी है। जी मामा, तो आज आप क्या बनाना सिखा रहे हैं हमें? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये मैंने ना 1 किलो चिकन ले लिया है, ठीक है। ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, ऐसे मैं बना के देती हूँ, ठीक है। ये सिरके वाला बनता है। ये मैंने 1 चम्मच जीरे का, ठीक है, 1 चम्मच नमक, अपने हिसाब से भी आप ले सकते हैं कम ज़्यादा। ये मतलब दादरी मिर्च है सिर्फ डालनी है। ये भी मतलब तीनों चीज़ें हम लोगों ने 1-1 चम्मच ली, तीनों के नहीं, ये आधा चम्मच है, ज़्यादा नहीं डालना ना, बस जीरा आधा चम्मच है। नहीं नहीं, ये दादरी मिर्च, दादरी मिर्च आधा चम्मच। अच्छा, ये मैं डाल देती हूँ इसमें, ठीक है। अब आप सिरका ना अंदाजे से, मैं भी अंदाजे से डालूंगी, आप अपने अंदाजे मतलब से। इसलिए 3 से 4 चम्मच, 3 से 4। हाँ जी, नहीं ये कि खट्टा ज्यादा ना ना हो जाए, हिसाब से डालना। ये मैंने 1 किलो के हिसाब से डालूंगी ना मैं अपने, ठीक है। मतलब हम लोग जो आज चिकन बना रहे हैं सिरके वाला चिकन है, तो मसाले आप लोगों ने देख लिए हैं कि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आधा कप मसाले लिए हैं। आधा कप मैंने डाला है, ठीक है। आधा कप जो सा है हम लोगों ने वो सिरके का डाल दिया है, तो ये चिकन का फ्लेवर जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। कुकिंग ऑयल मतलब हम लोग डाल तेल में बना लें या घी में बना लें वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो बस सिंपल हम लोगों ने इसको कुछ भी नहीं अब करना है बनने के लिए। ये ना इसे ना मैंने हिला दिया ना, ये देखिए इसकी रंगत ऐसी ही आएगी, ठीक है। तो बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी है व्यूवर्स। तो हम आप लोगों को जो सिखा रहे हैं आज की रेसिपी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी क्योंकि ये रेसिपी बिल्कुल यूनिक है और उन लोगों के लिए मतलब जो लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं या जो बैचलर्स हैं या जो हॉस्टलाइज हैं उनके लिए बहुत ये ना मतलब अच्छी चीज़ है कि चिकन क्योंकि जल्दी बन जाता है, झटपट बन जाता है। तो हमने आज आप लोगों को ये चिकन की रेसिपी सिखा दी है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो लोग मतलब कुकिंग खुद करते हैं और उनको जल्दी जल्दी कुकिंग करनी होती है। तो अब इसके अंदर मज़ीद हम पानी शामिल करेंगे थोड़ा सा, हाँ, गोश्त करने के लिए। तो हम लोगों ने इसका थोड़ा सा पानी शामिल करना है, सिर्फ थोड़ा सा, आधा कप मैंने पानी का डाला, आधा कप पानी का डाल दिया। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, वीडियो को पूरा देख रहे कि मज़ेदार से जो चिकन की डिफरेंट सी फ्लेवर की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। जी तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह देखने में कितना प्यारा ये लग रहा है और आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही शानदार और मज़ेदार बनने वाली है। तो बहुत झटपट ये तैयार हो जाएगी उन लोगों के लिए जो लोग खुद कुकिंग करते हैं, बहुत ही आसानी से वो लोग इस रेसिपी को बना सकते हैं। सिंपल मसाले हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, चिकन तो वैसे भी जल्दी तैयार हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी हमारी ये रेसिपी है पसंद आएगी। अब हम लोगों ने जो इसके अंदर पानी डाला है, हम लोगों ने इसको एक उबाल दिलाना है। उबाल दिलाने के बाद हम लोगों ने जो सा है वो इसको पकने के लिए रख देना है ढक के, ठीक है। तब ये हम लोगों ने इसको मतलब हम लोगों ने गलने के लिए रखना है ताकि जो हमारा चिकन है वो तैयार हो जाए। जब हमारा चिकन तैयार हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसकी भुनाई करेंगे, इसको भूनेंगे। उसके जो हम लोगों ने तेल क्योंकि उसके अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी डाल दिया है, वही जब इसका मतलब तेल निकल आएगा इसका मतलब है कि जो हमारी ये हंडिया है जो हम लोग आपको सिरके वाला चिकन बनाना सिखा रहे हैं तो वो तैयार हो गया। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने यहाँ पर इसको उबाला दिलाना है। उबाला दिलाने के बाद हम इसको चिकन को गलने के लिए रख देना है। जब चिकन गल जाएगा तो उसके बाद हम अपनी रेसिपी को मज़ीद शुरू करेंगे और देखेंगे कि जो हमारी मज़ेदार सी रेसिपी चिकन की वो कैसे तैयार होगी। जी तो व्यूअर्स, हम लोग देखते हैं कि जो हमारा चिकन है वो अभी तैयार हुआ है या नहीं। ये देखें, बस अब ये गलेगा इसी पानी में। इसने भी पानी खूब छोड़ दिया अपना भी, चिकन तो वो भी है, सिरका भी है, थोड़ा सा मैंने पानी भी डाला था। खुशबू माशाल्लाह बहुत हाँ, मज़ेदार आ रही है ना, थोड़ा सा गलते फिर ठीक है ना, आपको खाते हैं। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि अब हमारा जो चिकन है काफ़ी हद तक गल चुका है लेकिन जो इसका पानी है वो भी खुश्क नहीं हुआ। तो हम पानी सोड़ना है इसका, तो पानी को हम लोगों ने खुश्क करना है। खुश्क जब हो जाएगा पानी तो क्योंकि इसका फिर घी निकल आएगा, घी छोड़ देगा, तो
तो दो क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर जो कुकिंग ऑयल है वो शुरू में ही डाल दिया था, मतलब जब हम लोगों ने अपनी रेसिपी को स्टार्ट किया था ना उसी वक्त हम लोगों ने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल दिया था। तो अब हम लोगों ने उसी ऑयल को निकलेगा वेट कर, जब मतलब हांडिया तैयार हो जाएगी तो वो निकलेगा और उसी को हम लोग भुनेंगे। और उसकी भुनाई करने के बाद जो सी हमारी रेसिपी है आज की, जो सिरके वाला चिकन है, बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी बन जाता है और सबसे ये बड़ी बात की बहुत टेस्टी होता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, चिकन खट्टा सा होता है। मतलब चिकन हम लोग बनाते ही हैं और थोड़ी सी की जो रेसिपी है ना ये डिफरेंट हो जाएगी और आपका जो फ्लेवर है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि चिकन को एक ही तरह से बना बना कर खा खा के या तो कढ़ाई बना लो या तो शोरबा बना लो तो फिर वो बंदा अक जाता है। तो ये बिल्कुल एक हमने इनोवेटिव चीज़ आप लोगों के सामने रखी है, इनोवेटिव रेसिपी है, तो आप लोग उसको ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक दें। व्यूअर अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़िर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर जब भी हम लोग पानी खुश करने का वेट करते हैं तो आपको दिखाते हैं कि जो हमारी मज़ेदार सी रेसिपी कैसे तैयार होगी। जब बच्चे छोटे से थे ना तो मैं इन्हें बना देती थी, क्योंकि वो मिर्चों वाला ये सालन नहीं ना खाती थी मेरी बेटियाँ, तो मैं इन्हें ना बना के ये दे देती थी। इसमें आलू भी डाल देते हैं, मैं आलू का भी तरीका आपको बताऊंगी किसी रेसिपी में ना कैसे वो आलू वाली भी डाल। आज हम लोग ये आपको दिखा रहे हैं लेकिन नेक्स्ट टाइम हम आपको जो आलू के फ्लेवर के साथ दिखाएंगे। वो ये बच्चे खा लेते हैं, मैं तो अक्सर ना कोई मेहमान भी आ जाए, मेरी भांजी है उसे भी मेरे हाथ का ये बहुत पसंद है। आज मैंने आलू नहीं डाले इसके पापा की वजह से, उन्हें शुगर आती है ना, तो मैंने आज ना आलूओं के बगैर बनाया, तो ये बहुत मज़े का बनता है। तो ये मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो मेरी भांजी भी आए वो भी फरमाइश करके ना कहती खाला ये मुझे पका के खिलाओ, तो बहुत टेस्टी बनता है। आप पकाएं, सिरका डालें, बस ये है कि हिसाब से डालें, ज़्यादा खट्टा भी ना हो जाए, तो बस उसके हिसाब से आप ज़रा सी ज़्यादा नहीं मिर्चें डालनी इसमें, फिर मिर्चें डाल दी तो टेस्ट तो दूसरा बन जाएगा। और मिर्चें सिर्फ ये लाल ही दादरी भी डाली, किसी भी नहीं डालनी है, और सिर्फ जीरा डालना है और कलर भी, और हल्दी बिल्कुल नहीं डालनी, कलर भी बिल्कुल वाइट है क्योंकि हम लोगों ने कोई भी ऐसा स्पाइसेस के अंदर ऐड ही नहीं किया। हाँ जी, इससे कलर चेंज हो। ये देखे ना ये मसाला सा, ये घी सा बहुत अच्छा लगता है, कई लोग नहीं मसाला पसंद करते, बोटी साथ रोटी खा लेते हैं, अब ये सूखने के बाद खाते हैं। तो व्यूअर्स फाइनली जो सी हमारी मज़ेदार सी सिरके वाली मुर्गी है, जिस सिरके की हमने रेसिपी आज आपको सिखाई है, वो तैयार हो गई। ये ले जी, ये उन लोगों के लिए खास तौर पे जो लोग बाहर रहते हैं, जो बैचलर्स हैं, जो खुद कुकिंग करते हैं, हमने बहुत ही आसान सी रेसिपी उनको बनाना सिखाई है। तो झटपट ये बन गई है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लिया, तो मम्मा उसको डिश आउट करें तो आप उसका लुक दे सकते हो। सबसे बड़ी बात कि जब मम्मा इसका ढक्कन उठाया तो जो उसकी खुशबू थी वाओ अमेजिंग, उसका क्या ही कहना, कितनी वो मज़ेदार थी। तो ये बहुत खुशकिसी जो मतलब विदाउट हम लोगों ने मसाले के बनाई, आप इसको एंजॉय करें। और जो है सबसे बड़ी बात, इसका फ्लेवर चेंज हो गया आप लोगों का, एक ही तरह का खाना खा खा के इंसान बोर हो जाता है, तो उस बोरियत को दूर करने के लिए समझो शुड बी न्यू। और हमने आज आप लोगों को ये न्यू सी और इनोवेटिव सी रेसिपी सिखाई है जो टेस्ट में बहुत अच्छी है और आपको इंशाल्लाह पसंद भी आएगी। तो ये इसका फाइनल लुक है। तो ये ले व्यूअर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत उम्दा सा ये जो हमारी आज की सिरके वाला चिकन है रेडी हो गया। तो आप लोग इसको बनाएं, इसको ट्राई करें और हमें बताएं कि जो सी मज़ेदार सी रेसिपी आपको कैसी लगी है। व्यूअर्स अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की जो सी अच्छी अच्छी और टेस्टी टेस्टी सी रेसिपीज है लेकिन आसान तरीके से बनने वाली, जो आसानी से आप लोग बना सकते हैं, जो आपको समझ लग जाए और जो आप लोग बिना किसी भी डिफ़िकल्टी के अपने किचन में जाकर बना सकते हैं, वो मसाले आपके किचन में मौजूद होते हैं, आप उनको इस्तेमाल करें और इंजॉय करें। तो व्यूअर्स अब मैं आप लोगों से जाना चाहती हूं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। हमें दुआ में याद रखिएगा, हम आपके लिए दुआ गो हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।